द लॉ पैनल्स एग्जामिन द साइमल्टेनियस ऑफ द इलेक्शंस। तो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर ने, द हिंदू ने, इन्होंने कवर किया हुआ है, क्या है सारी न्यूज़ देखते हैं जो। तो भाई हर हर साल जो चुनाव कराने के लिए जो जो हम भारी भरकम जो नुकसान उठाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, जो खर्च होता है, इन दिनों जो संसद में एक मानसून सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, जो एक मंत्री ने संसद में कहा कि जो हमारे जो हम जो देश में साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, मतलब एक केंद्र और राज्य के चुनाव जो एक साथ कराने की बात कर रहे हैं ये, तो देश में जो एक साथ एक देश एक चुनाव, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बताया कि 2004-2022 में जो 7,432 करोड़ रुपए खर्च हुए चुनाव चुनाव कराने पे, तो ये अपने आप में बहुत अमाउंट है। तो जो बार बार चुनाव होते हैं देख सकते हैं, जैसे देखो 2014-15 में जो 510, 2015-16 में 1499.16, और जो 2016-17 में, ये सारे आंकड़े हैं जो देख सकते हैं आप, जो फिगर है जो मैंने टोटल बता दिया 7,000, तो ये याद रख सकते हैं 7,432 करोड़ रुपए खर्च हुए हमारे बैंस के लिए, देख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको। और 21st जो लॉ कमीशन में जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जो लोकसभा और जो राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात की है कि भाई एक साथ दोनों को एक साथ, क्या इससे अब देखो ये बात निकल के आ रही है, चलो भाई ठीक है इसको मान लिया जाए, लेकिन इससे पहले चुनाव हुए हैं क्या ऐसे जो साइमल्टेनियसली, तो ये जो इलेक्शन था प्रीवियसली दे हेड द कंडक्ट था इंडिया 1952 में हुए, 1957 में, 1962 में, 1967 में, इस तरह से चुनाव हुआ। तो MPMLA के चुनाव जो एक साथ कराए गए हैं, तो साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो इंडिया में 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ हुए हैं। 5 साल में जो राज्य और केंद्र में चुनाव एक साथ कराए गए हैं, फिर जो राज्यों में जो लोकल चुनाव जो बनती चली जाती है, जैसे जो चुनाव करते हैं तो राज्य में क्या लोकल चुनाव बनती है, और जो केंद्र में जो फिर नेशनल पार्टी बनती चली गई, फिर उसके बाद इस तरह से वहाँ लोकल पार्टी बनी भाई इन चुनाव के बाद, ये जैसे बंद हुए लोकल बनी, और जो सेंटर के स्तर पे जो नेशनल पार्टी बनती चली गई। जो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि जो चुनाव जो साइमल्टेनियसली हो, इसके लिए 1999 में कहा था कि चुनाव एक साथ कराने चाहिए, इसमें जो राज्यों को पूछना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है भैया, तो ये जो देश के जो किसी भी भाग में जो इलेक्शन चल रहा होता है, तो देखते हैं कभी कभी आप जहाँ चल रहा है कभी किसी चीज़ के चल रहे हैं, तो जो किसी राज्य में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो MP बाय जो पोल इलेक्शन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो जो देखने को मिल जाएंगी आपको। मतलब MP का चुनाव 2014 में जो 2022 तक लगभग जो 50+ जो इलेक्शन हो चुके हैं भाई, और इसमें से लोकसभा का चुनाव पर जो केंद्र पर खर्चा उठाती है, जो लोकसभा का होता है उसे केंद्र उठाएगी, और बाकी जो यदि हमने जो केंद्र और राज्य के चुनाव के एक साथ करा लिए तो बाकी जो राज्यसभा का होगा तो अपना आप उठाती है। यदि हमने जो केंद्र और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करा ली, तो बेनिफिट क्या हो सकता है, तो इसके जो खर्चा केंद्र और जो दोनों राज्यों में आधा आधा बढ़ जाएगा, सेंट्रल और जो जो स्टेट में, एक बार में एक जो काम निमट जाएगा कि ऐसा नहीं बार बार लगना पड़ रहा है। और हमारे देश में चुनाव के लिए जो जो सिक्योरिटी का जो मूवमेंट कराना होता है, जैसे चुनाव कराते हैं तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे लगाते हैं भाई आपका जो जो CISF होगी, CRPF होगी, या मतलब और भी जो है पुलिस वगैरह, तो मूवमेंट कराना होता है उनके लिए, तो उसके लिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वोट बैंक का समर्थन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये तो एक साथ चुनाव कराने का नुकसान क्या होते हैं भाई, देखो नुकसान क्या हो सकते हैं, EVM मशीन जो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जो ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि उन्हीं से अब जो EVM होती हैं, तो उन सेंटर का चुनाव करा लेते हैं, उसी से हम जो लोकसभा का और जो राज्यसभा का दोनों का चुनाव हो जाता है। तो अब एक साथ चुनाव कराएंगे तो फिर ज़्यादा हमें ज़्यादा चाहिए, यदि इस प्रकार जो चुनाव कराते हैं तो राज्य के जो मुद्दे कहीं भी छिप जाएंगे, एक साथ चुनाव होंगे तो जो राज्यों के छुप जाएंगे कि सेंटर की बात होगी सारी, तो नागरिक अपने जो लोकल मुद्दे को जो से भटक सकते हैं और नेशनल मुद्दे पर जो वोट कर सकते हैं जो, और जो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही की नहीं बन पाएगी, जैसे मोदी जी के नाम पर जो वोट, बाकी जो भाई कौन है MLA के उनको या MP उनको कोई उनकी कोई पूछ नहीं होगी उनके, ठीक है भाई मोदी जी के नाम पर जो बन गए हैं चुनाव जीत गए तो उनसे फिर कल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके मुद्दे तो अपने उस पे मुद्दे पे तो उन्होंने वोट नहीं किया। क्या ऐसा चुनाव एक साथ हो क्या होते हैं स्वीडन में और ब्रिटेन साउथ अफ्रीका में, इस तरह के चुनाव आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस तरह के हैं। ये आर्टिकल हमारा, तो ये 172 और आर्टिकल 43 और जो 83 में ये सारी चीज़ें बातें हैं, लोकसभा जो ये किस तरह के जो है कंडक्ट कराते हैं। एक चुनाव के लिए बेसिक मुद्दे हैं नल पानी और जो रोजगार की बात है, देश के मुद्दे के लिए जैसे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन कैसे हैं हमारे पाकिस्तान से, तो कैसे हैं भाई अभी जो मान लिया USA से कैसे हैं, रशिया से कैसे हैं, चाइना से कैसे हैं, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें बातें आती हैं। तो
तो ये उम्मीद है भाई, देखो समझ में आ रहा होगा, यदि सेशन समझ में आ रहा है तो देखो लाइक शेयर करते रहे देखो बराबर, तभी देखो मोटिवेशन मिलता है और आगे करने का अच्छा करने का मन करता है। तो एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों की सरकार में एक साथ चुनाव का सुझाव दिया है। इसमें कई चुनाव जो सामान्य सार्वजनिक जीवन से बाधित करते हैं, जो आवश्यक जो सेवाओं के कामकाज को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक चुनाव से हर साल अलग अलग चुनाव कराने वाले जो भारी खर्च में कमी आएगी। विधि आयोग, लोकसभा और जो राज्यसभा विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए व्यावहारिक रोडमैप तैयार और रूपरेखा जो विचार कर रहा है।